Religion Outlook. श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 424 में अंग ते विराजमान बाणी दे राही गुरु अमरदास साहिब सानू दसदे हन कि गुरु पासों की मिलता है। अक्सर असी वख-वख धार्मिक शख्सियतां वल्लों गुरु दे लड़ लगण दा पैगाम सुनदे हां। तुसी सारे वधाई दे पात्र भी हो जो गुरु दे लड़ लगे हुए हो। ते मैनूं यकीन है कि यह जो गल्लां अज दी गुरबाणी दे विच्चों सानू पता चलणियां हन तुसां ने अपने अपने जीवन दे विच महसूस कीतियां होणगियां। जेकर गुरु साहब तो मिलण वाले यह सब टीचे तुसां हासिल कर ले हन ते अपने अनुभव दूजे लोगों के तक जरूर पहुँचाओ। उन्होंने भी दसो कि गुरु दे लड़ लगे तो ये कुछ हासिल किया, गुरु पासों की हासिल हो सकता है। ये अज की वीडियो के राही भी तुसी लोगों तक। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा महला तीजा अष्टपदियां कर अठवा काफी। गुरते शांत उपजै जिन तृष्णा अग्न बुझाई, गुरते नाम पाईऐ वड्डी वड्याई। जिस गुरु साहब ने, गुरु अमरदास साहब कहिंदे, जिस गुरु साहब ने मेरी तृष्णा की अग बुझा दित्ती उस गुरु पासों शांति उपजदी है, आत्मक ठंड प्राप्त हुंदी है। गुरु तो परमात्मा का नाम हासिल हुंदा है ते उस नाम की बरकत नाल परमात्मा की हजूरी दे विच महा उत्तम वड्याई मिलती है। एको नाम चेत मेरे भाई, जगत जलंदा देख कै भज पए शरणाई रहाओ। ये मेरे भाई सिर्फ उस एक परमात्मा का नाम सिमर। जे तू जगत दे विच प्रबल विकारां दी अग तो बचना है तां कहिंदे मैं ते जगत जलंदा देख के इस जगत नूं विकारां दी अग दे विच भुजदिआं होइआं वेख के भज के जाके गुरु की शरण पै गया हाँ। गुरते ज्ञान उपजै महा तत् विचारा, गुरते घर दर पाया भगती भरे भंडारा। गुरु पासों समझ मिलती है, सूझ मिलती है, ज्ञान मिलता है ते ज्ञान ही सब तो वड्डी असलियत है, श्रेष्ठ विचार है। गुरु पासों परमात्मा का दर घर लभदा है, परमात्मा का टिकाणा लभदा है ते साडे हिरदिआं दे अंदर परमात्मा की भगती दे खजाने भर जाते हैं। गुरमुख नाम त्याई है बूझै विचारा, गुरमुख भगत सलाह है अंतर शब्द अपारा। जो गुरु के सन्मुख हो जाता है वह परमात्मा का नाम सिमरदा है, परमात्मा का नाम गुरु के सन्मुख हो के ही सिमरिया जा सकता है। तो गुरु की शरण पैन तो बाद ही सानू इस गल की समझ लगती है। कई बार होंदा कि असी अपने वल्लों परमात्मा की भगती करते हैं, सिफत सलाह करते हैं, नाम जपते हैं तो सानू लगता होंदा कि असी सही ही हाँ, इदा ही करीदा होंदा। पर फिर जदों गुरु की शरण पै जाइए, गुरु तो ज्ञान हासिल करिए, असलीयत का पता सानू तद चलता है कि असल दे विच नाम जपना की है, असल दे विच परमात्मा की भगती करनी की है। सो ना सिर्फ गुरु सानू नाम जपन लाउंदा है, नाम जपन की सही विधि के बारे च भी दसदा है। सो गुरु की शरण आया परमात्मा की भगती परमात्मा की सिफत सलाह प्राप्त होंदी है, हिरदे विच बेअंत प्रभु की सिफत सलाह का शब्द आ वसदा है। गुरमुख सूख उपजै दुख कदे ना होई, गुरमुख होमै मारी है मन निर्मल होई। जदों असी गुरमुख हो जाइए, गुरु की शरण पै जाइए तो साढ़े हिरदिया के अंदर सुख की उत्पत्ति हो जाती है, असी आत्मक आनंद मानन लगते हैं, साढ़े जीवन चो दुख का नाश हो जाता है, दुख नहीं रहिंदा कोई। फिर तो दस दईए दुख पूर्ण घटनावां हुणों नहीं हटदियां, वो घटनावां सानू दुखी करनों हट जांदियां ने, साड़ी मानसिक अवस्था इंज दी हो जाती है कि शरीरक तौर पर साढ़े जीवन च जो भी वापरी जाए असी दुखी नहीं होंदे। सो गुरमुख सूख उपजै दुख कदे ना होई, गुरमुख होमै मारिए
मन निर्मल हुई, गुरु दे सन्मुख हो के मनुख अपने अंदरों आपा भाव खत्म कर लैंदा है, हउमै खत्म कर लैंदा है, उहदा मन पवित्र हो जाता है। सतगुर मिलिया आप गया, त्रिभावन सोझी पाई, निर्मल जोत पसर रही, ज्योति जोत मिलाई। जदों सानू गुरु मिल जाए तो साडा आपा भाव दूर हो जाता है, तिना भवना दे विच वसदे हुए उस परमात्मा की सूझबूझ सानू हो जाती है, समझ पै जाती है। ये गल भी सानू समझ आ जाती है कि हर थां परमात्मा की पवित्र जोत प्रकाश कर रही है, तो फिर असी परमात्मा की जोत विच अपनी सुरत भी जोड़ लेंगे। हाँ, पूरा गुर समझाया मत उत्तम होई, अंतर शीतल शांत होए, नामे सुख होई। पूरे गुरु ने जदों सानू समझ बख्शी तो साड़ी अकल श्रेष्ठ हो जाती है। जिस मनुख नू पूरा गुरु मिलिया उसका हिरदा विकारां दी सड़न तो बच के ठंडा ठार होया रहिंदा है, हरी नाम दे राही उसनू आनंद प्राप्त हुंदा है। पूरा सतगुर तां मिलै जां नदर करे, किलविख पाप सब कटी है, फिर दुख बिघन ना होई। पर साडे हथ वस नहीं कि असी गुरु नू मिल पईए जाके गुरु नू हासिल कर लईए। जे परमात्मा दी मेहर दी नज़र साडे ते होवे तां ही सानू सतगुरु मिलदा है। ते तुसीं सारे असीं सारे ये मन सकदे हां कि परमात्मा दी मेहर दी नज़र साडे ते होई है, क्योंकि सानू गुरु मिल गया है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे रूप च। जद गुरु मिल जाए किल विख पाप सब कटी है, फिर दुख बिघन ना होई। साडे सारे ही पाप विकार कट्टे जांदे ने, साडी सोच पवित्र हो जाती है, मुड़ कोई दुख सानू पो नहीं सकदा, साडे जीवन सफर दे विच कोई रुकावट नहीं आउंदी, औकड़ां औकड़ां लगनों हट जांदियां ने। अपना हथ वडियाईयां दे नामे लाए, नानक नाम निदान मन वसिया वडियाई पाई। हे नानक आख, हे भाई, सारियां वडियाईयां परमात्मा दे अपने हथ विच हन, ओ आप ही इज्जत बख्श के जीव नू अपने नाम विच जोड़दा है। जिस मनुख दे मन विच उसदा नाम खजाना आ वसदा है, ओ मनुख लोक परलोक विच आदर मान पांदा है। सो इस दे नाल ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 424वें अंग दी बाणी दी व्याख्या दी समाप्ति हुंदी है जी। अज दी बाणी दे विच गुरु अमरदास साहिब सानू दसदे हन कि जद असी गुरु दे लड़ लग जाइए तो सानू अकल आ जाती है, हर थां परमात्मा दी मौजूदगी दी समझ पै जाती है, परमात्मा दे नाम दे विच असी जुड़ जाते हाँ, साडे हिरदयां दे विचों विकारां दी तपश दूर हो जाती है, ठंडक वरत जाती है, असी आत्मक आनंद दे नाल भरपूर हो जाने हैं। आत्मक अवस्था सानी साडी इन्नी क उच्ची ते अडोल हो जाती है कि साडे जीवन दे विच आउण वाली कोई औकड़ सानू औकड़ नहीं लगती, कोई दुख सानू दुख नहीं लगता। सो उम्मीद करते हाँ तुसी सारिया ने यह सब कुछ अपने जीवन दे विच महसूस किया होएगा, क्योंकि तुसी गुरु दे लड़ लगे हुए हो, सच्चे दिलों लगे हुए हो। परमात्मा अपनी मेहर की नज़र साडे सारिया ते इदां ही बनाई रखे, असी इदां ही गुरु दे लड़ लगे रहिए, इदां ही आत्मक आनंद माणदे रहिए। इस संदेश दे नाल ही फतेह कबूल करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।